हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए हो एवरीवन्स गुड एवरीवन्स फाइन। तो आज अपने पास आ चुकी है हार्ले डेविडसन X440 जो आती है 440 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ विद ऑयल कूलिंग सिस्टम। यहां पर अपन को देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 27 BHP 6000 RPM। उसी के साथ मैक्स टॉर्क की बात करें तो बाइक प्रोड्यूस करती है 38 Nm 4000 RPM पर। ये बाइक का मैक्स टॉर्क एंड मैक्स पावर की बात हो गई। उसी के साथ अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर मिल जाता है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक विद 2.7 लीटर रिजर्व टैंक कैपेसिटी के साथ अपन को देखने को मिलेगा। बाइक के कवर वेट की बात करें तो यहां पर मिल जाता है 195 किलोग्राम का अपन को बाइक का कवर वेट मिलेगा। उसी के साथ सीट हाइट की बात करें तो 805 mm की यहां पर अपन को राइडर सीट हाइट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का अपन को ग्राउंड क्लियरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। और बाइक में आ जाते हैं तीन वेरिएंट। पहला आता है डेनिम जो सबसे बेसिक होता है, उसी के बाद आता है विविड जो कि आप सामने देख रहे हो। थर्ड आता है एस मॉडल जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो बाइक आ जाती है 2,39,500 रुपीज़ की बाइक की स्टार्टिंग प्राइस है जो कि आता है डेनिम मॉडल। डेनिम मॉडल में सिंगल कलर आता है मस्टर्ड। ओनली डेनिम मॉडल में स्पोक व्हील्स आते हैं, विविड और एस में अलॉय व्हील्स आते हैं। और तीनों बाइकों में क्या चीज़ कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ आता है डुअल चैनल ABS आपको तीनों बाइक में देखने को मिलेगा। उसी के साथ 3.5 इंचेस का यहाँ पर TFT डिस्प्ले अपन को मिल जाता है, USB चार्जर मिल जाता है, LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, DRLs अपन को यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन को बेसिक या कॉमन चीज़ें अपन को तीनों बाइक में सेम देखने को मिलेगी। जैसे जैसे और विविड मॉडल में अपन को सिर्फ अलॉय व्हील का चेंजेस मिलेगा, यहाँ पर अलॉय आते हैं और डेनिम में सिर्फ स्पोक व्हील्स आते हैं। तो चलिए अभी बाइक को चला करके देखते हैं कि बाइक कैसा परफॉर्म करती है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, कैसा इसका पावर रहता है। तो कंफर्टेबल बहुत है बाइक, अच्छी खासी कंफर्टेबल है। और हार्ले की पहली बाइक है फर्स्ट इन सेगमेंट सिंगल बाइक, चलने में कैसी है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये जो इसका डिस्प्ले है ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी यूनिक है और बाइक चलने में कंट्रोल में काफ़ी बढ़िया है। ब्रेक्स वगैरह सब कुछ अच्छे है। रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर का यहाँ पर अपन को बाइब्री का ब्रेक मिल जाता है 240 mm डिस्क के साथ। उसी के साथ फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर 320 mm डिस्क के साथ टू पिस्टन कैलिपर के बाइब्री के यहाँ पर ब्रेक्स अपन को देखने को मिलेंगे। हजार्ड लाइट का ऑप्शन अपन को यहाँ पर मिल जाता है बाय डिफॉल्ट कंपनी से। USB चार्जिंग पोर्ट भी अपन को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। और इसका जो थंब है और जो इसका टॉर्क है बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो बाइक सिटी में चलाने में भी काफ़ी मज़ेदार है, इतनी हैवी फील नहीं हो रही। आप रॉयल इनफील्ड से कंपेयर कर सकते हो, अगर रॉयल इनफील्ड को जैसे आप चलाते हैं ना उतना इसका वेट है सिमिलर का, इतना ज़्यादा वेट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। और इसका टॉर्क बहुत बढ़िया है, 38 Nm टॉर्क का पावर ये प्रोड्यूस करती है विद 27 BHP। और बाइक में सेफ्टी के लिए ओनली डुअल चैनल ABS अपन को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर अपन को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अंडर सीट स्टोरेज भी कुछ नहीं मिलती है यहाँ पर। इंडियन सेफ्टी के लिए अपन को यहाँ पर ग्रैब ग्रिल मिल जाता है। देन उसी के साथ अगर अपन बात करें तो साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। और सेकंड गियर जा सकते हैं, 75 सेकंड गियर इसका जा रहा है। जैसे जैसे आप हाई RPM पे जाओगे तो बाइक को लगेगा कि गियर चेंज करने की जरूरत है, तो बाइक पर यहाँ पर गियर पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अप का साइन या डाउन का साइन दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बाइक्स में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती आपको, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, दिस इज़ रियली नाइस। और इसके LED हेडलैम्प है तो लाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया है। और हर जगह आप देखोगे ना तो हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग अपन को देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रीमियम बाइक का लुक अपन को देती है। प्रीमियम सेगमेंट की बाइक का लुक अपन को यहाँ देखने को मिलेगा। अभी फर्स्ट गियर ट्राई करते हैं कितना जाती है, 50, सेकंड इज 75, अभी थर्ड गियर है, वाओ। बट जैसा हार्ले डेविडसन में वाइब्रेशन आता है ना हल्का फुल्का, वैसा इस बाइक में भी आपको वाइब्रेशन फील होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइब्रेशन ख़त्म है, वाइब्रेशन तो है। नाइस नाइस नाइस, जो थंब आ रहा है ना हार्ले डेविडसन वाला वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको चला करके बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मिल जाता है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। बाइक के माइलेज की बात करें तो बाइक निकाल देती है अप्रॉक्सीमेटली 35 का माइलेज, जो कि एक 400 cc सेगमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है। इससे अच्छा माइलेज और क्या लोगे यार। USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑन द गो आपको अगर GoPro अपना चार्ज करना है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, तो ऑन द गो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स है जिससे आप अपना ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी को सेट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पर TFT डिस्प्ले पर। टैकोमीटर डिजिटल में आ जाता है, स्पीडोमीटर डिजिटल में आ जाता है, ऑडोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लॉक यहाँ पर देखने को मिलेगी, सर्विस वार्निंग साइन, लो फ्यूल इंडिकेटर, हजार्ड का ऑप्शन, इंजन वार्निंग साइन, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द TFT डिस्प्ले। दिस इज़ रियली 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 नाइस।
और बाइक का ना बस थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। राइडर एंड बाइक सेफ्टी के लिए यहाँ पर अपन को इंजन गार्ड देखने को मिलेगा, उसी के साथ ग्रैब ग्रिल मिल जाता है पिलियन के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप हाई स्पीड में होगे 100-120 पर आप चलाओगे ना, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए। अभी करते हैं फर्स्ट गियर टेस्ट, 50, 75, 98 और बाइक आती है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। मतलब थर्ड गियर में 100 चली गई तो मुझे नहीं लगता कि ये 135 ही टॉप एंड तक जाती होगी, आई गेस ये 150 तक जाती होगी क्योंकि अभी 6 गियर इसके बाकी है। जैसे जैसे बाइक आप चलाओगे बाइक की स्मूथनेस आपको पता चलेगी। बाइक का कर वेट आता है 190.5 किलोग्राम, जो कि ज़्यादा हैवियर नहीं है, बट एक ही परेशानी आपको आने वाली है इस बाइक में। यहाँ पर मिलते हैं आपको ट्यूब वाले टायर, ट्यूब टायर जो कि थोड़ी सी अगर जब भी आपकी बाइक पंचर हुई ना तो आपको बड़ी परेशानी आने वाली है, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा और उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और सस्पेंशन वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, मिरर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया प्लेस्ड है। हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग आपको हर जगह दिखेगी, हर जगह आपको ब्रांडिंग दिखेगी। और ये जो टैकोमीटर और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। डे नाइट थीम के साथ ही आता है, ऑटोमेटिक सेंसर यहाँ पर है तो वो जज करता है कि अभी अंधेरा हुआ है या फिर सनलाइट आ रही है, तो उस हिसाब से ये चलता है, जो कि सही है, बढ़िया है, मज़ेदार है। और हैंडल की बात करें तो बाइक का हैंडल काफ़ी ब्रॉड है, मतलब एक अच्छा आपको रिलैक्स फील होगा, इतना हार्ड फील नहीं होगा हैंडल। सिटी में भी आप चलाओगे, ट्रैफिक में भी फंसोगे तो इतना हैवियर फील नहीं होगा जिससे आपको परेशानी हो। काफ़ी कुछ सोच के कंपनी ने इस बाइक को बनाया है। और बाइक के साथ मिल जाती है 5 ईयर 70,000 किलोमीटर की वारंटी। और ये लोग पहुंच गए हम लोग सूर्या मोटोकॉर्प, जहां पर हमें अपनी बाइक को सबमिट कराना है। थैंक्स फॉर द राइड, थैंक्स फॉर द रिव्यू। तो चलिए आज की अपनी राइड हो चुकी है कंप्लीट, अपने हार्ले डेविडसन X440 की टेस्ट राइड और राइड रिव्यू आपके लिए बना दिया है। और अगर आपको भी बाइक लेनी है तो सूर्या हीरो पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सूर्या मोटोकॉर्प पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो अगर आप जयपुर से हो। अगर टेस्ट राइड लेनी है, बाइक का कॉस्टिंग जानी है या बुकिंग करानी है, परचेज करनी है, तो आप यहाँ पर आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।